हर कोई अपने लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहता है, अपने गोल्स को अचीव करना चाहता है, लेकिन कई बार उसमें कुछ कमी रह जाती है या उन्हें समझ नहीं आता कि वो ऐसा क्या करे कि वो सफल हो जाए, सक्सेसफुल हो जाए, अपने गोल्स को अचीव कर ले। तो मैं 5 चीज़ें लेकर आई हूँ। सफलता आपसे ये 5 चीज़ें मांगती है। नंबर 1, हद से ज़्यादा मेहनत। सबसे पहली चीज़ तो हम सभी जानते हैं, किसी से भी सुनो तो वो यही कहता है, मेहनत करो, पीछे मत हटो, मेहनत करो। तो सबसे पहली चीज़ सफलता आपसे मांगती है वो है हद से ज़्यादा मेहनत। मेहनत कभी भी ज़ाया नहीं जाती। कोई भी काम में आप जितनी मेहनत करते हैं आपको उतना ही रिजल्ट्स वापस मिलता है। हो सकता है थोड़ी देर लगे, हो सकता है आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़े, लेकिन मेहनत अपना असर ज़रूर दिखाती है। तो जितना हो सके उतनी मेहनत करिए, अपना 100% दीजिए। उसके अलावा, अपने गोल के अलावा आपको और कुछ नज़र नहीं आना चाहिए। तो पहली चीज़, हद से ज़्यादा मेहनत। दूसरी चीज़, बुरी आदतों को छोड़ना। अगर कुछ अच्छा चाहिए तो बुरी चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा। अगर कुछ अच्छी आदतों की ओर बढ़ना है तो बुरी आदतों को छोड़ना पड़ेगा। इसीलिए सक्सेसफुल होने के लिए जो आपकी बुरी आदतें हैं वो आपको छोड़नी पड़ेगी। बुरी आदतें मतलब क्या? क्योंकि हर किसी के लिए बुरी आदतों के अपने ही डेफिनेशंस होते हैं। किसी को बुरी आदत बुरी लगती ही नहीं, उनकी हैबिट लगती है, उनके लिए वो एक प्लेजर है। लेकिन जो चीज़ें आपके सक्सेसफुल होने के रास्ते में बीच में आती है, एक ऑब्स्टिकल बनती है, आपको आगे बढ़ने से रोकती है, वो आपकी बुरी आदत होती है। तो ध्यान दें, ऐसी कौन सी हैबिट्स है आपकी, ऐसे कौन से बिहेवियर पैटर्न्स है आपके जो आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं, और उन चीज़ों को जल्द से जल्द अपनी लाइफ से अलग करें। तीसरी चीज़, रिस्क लेने की हिम्मत रखना। सक्सेसफुल होने का मतलब सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ मेहनत करनी है, क्योंकि कई बार हम मेहनत तो कर रहे हैं पर सही दिशा में नहीं कर रहे। सही दिशा में मेहनत करने में हमें डर लग रहा है। क्यों? क्योंकि रिस्क है, हम फेल हो सकते हैं, रिजेक्ट हो सकते हैं, जो भी चीज़ कर रहे हैं उसमें हार सकते हैं। लेकिन इसी का नाम तो ज़िंदगी है, रिस्क नहीं लिया तो किया ही क्या। कहते हैं ना, जिसने अपनी ज़िंदगी में कोई रिस्क नहीं लिया उसने कभी भी जीवन जिया ही नहीं। तो इसीलिए अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो रिस्क लेने की हिम्मत रखिए, फेलियर्स का सामना करने की हिम्मत रखिए, रिजेक्शंस को हैंडल करने की हिम्मत रखिए, क्योंकि यही चीज़ें आपको सक्सेसफुल बनाने में हेल्प करती है। आपके फेलियर्स, आपके रिजेक्शंस, इनसे जो सीख मिलती है वो आपको सक्सेसफुल होने में मदद करती है। 4, खुद पर विश्वास रखना। दुनिया में आप पर कोई विश्वास रखे ना रखे, अगर आप खुद पर विश्वास रखते हैं तो आपको किसी और की ज़रूरत नहीं। आप ना हारेंगे, ना हार मानेंगे और ना खुद को रुकने देंगे। इसीलिए अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो खुद पर विश्वास रखिए। क्या हुआ अगर मैं एक बार फेल हो गया, 2 बार फेल हो गया, 10 बार फेल हो गया? मुझे पता है मैं हार नहीं मानने वाला। आपको पता है, एक चिड़िया अगर पेड़ की टहनी पर बैठी है और अगर वो टहनी कोई काट रहा है तो वो चिड़िया डरती नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका भरोसा उस टहनी पर नहीं है, उस पेड़ पर नहीं है, बल्कि अपने पंखों पर है। तो विश्वास दुनिया पर, सिचुएशंस पर, आपके रिलेटिव्स पर, आपके फ्रेंड्स पर, किसी पर मत करिए, खुद पर करिए, खुद के पंखों पर करिए, खुद की मेहनत पर करिए, और फिर देखिए कैसे आप अपने गोल्स को अचीव नहीं करते। लास्ट, धैर्य रखने की काबिलियत होना। कहते हैं भगवान के घर में देर है पर अंधेर नहीं। अब यही चीज़ अगर गोल्स के लिए भी मानी जाए तो गोल्स ज़रूर मिल जाते हैं, आप अपने गोल्स को अचीव करते हैं, सक्सेसफुल भी होते हैं, लेकिन उसके लिए पेशेंस चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी हमारे हिसाब से नहीं चलती। हमारे कितने भी प्लान्स हो, यूनिवर्स के अपने प्लान्स होते हैं, और कई बार उन प्लान्स के आगे हमारे प्लान्स फेल हो जाते हैं। तो उस फेलियर्स का सामना करने के लिए भी पेशेंस चाहिए।
अपने गोल्स को पाने के लिए जो वेट करना पड़ रहा है, इंतज़ार करना पड़ रहा है, उसके लिए भी पेशेंस चाहिए। तो इसीलिए अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो एक बात ज़रूर याद रखें कि धैर्य रखें। जो होना है वो सही वक्त पर ज़रूर होगा। सबका अपना अपना समय होता है। ज़रूरी नहीं आपके जान पहचान वाले सक्सेसफुल हो गए और आप अभी तक यही हैं। मे बी ये सही समय नहीं है। जब आपका समय आएगा तब आपको भी आपकी मंजिल मिल जाएगी। तब तक मेहनत, बुरी आदतों को छोड़ना, रिस्क लेने की हिम्मत रखना, खुद पर विश्वास रखना और पेशेंस रखना।